साहिल की दरिंदगी देखने को मिली है, जिसकी वजह से पूरा देश इस वक्त नाराज है। बड़ी खबर ये जानकारी मिल रही है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी इस पूरी घटना को लेकर काफी आक्रोश में है। उन्होंने बकायदा बयान भी दिया है। दिल्ली की साक्षी हत्याकांड पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि बहनों का ऐसा हाल देखकर खून खौल उठता है, जिसका खून न खौला वो जीते जी मर चुका है। ऐसी घटनाओं के बाद सभी हिंदुस्तानियों को जागना होगा। सनातन धर्म किसी को मारना नहीं बचाना सिखाता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं बदलना, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को विचारों को पढ़िए। 8 महीने से वो यूट्यूब पर देख करके प्रेरित होकर, हमारा धर्म कभी भी अहित नहीं सिखाते, हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना नहीं सिखा। इसलिए प्रत्येक हिंदुस्तानी अब जाए। तो बाबा बागेश्वर को आपने सुना, और साक्षी हत्याकांड पर बाबा बागेश्वर का ये बड़ा बयान सामने आया है। और जैसा कि उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग मुझ पर कट्टर होने का आरोप लगाते हैं, बहनों के साथ ऐसी घटना देखकर खून खौलता है। ये देखिए, आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा है। साक्षी हत्याकांड पर अपनी चुप्पी तोड़िए, कुछ लोग मुझ पर कट्टर होने का आरोप लगाते हैं, ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। बहनों के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी वारदातें होती हैं, ऐसे देखकर खून खौलता है। ऐसी घटनाओं पर सभी हिंदुस्तानियों का खून खौलना चाहिए, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये घटनाएं समाज में इस तरह से नहीं आनी चाहिए, जिसका खून ना खौला वो जीते जी मर चुका है। ऐसी घटनाओं पर खून खौलना चाहिए, ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर।